हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कभी आपने मिक्स भेल का सब्जी बनाया है? मिक्स भेल मतलब चना, बटाना, मूंग, मसूर, मटकी, ये सब ये तो पहले से ही ये भीगा हुआ मार्केट में मिलता है, या फिर आप भी भिजा के रख सकते हैं मिक्स। उसके बाद मैंने इसमें दो टमाटर लिया है, तीन छोटी छोटी प्याज लिए, कड़ी पत्ता, मिर्ची, लहसुन, अदरक लिया है, और कुकर में मैं इसको बना रही हूँ। कुकर में आप बनाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से गल जाता है। तो मैंने दो छोटे चम्मच तेल डाल दिए हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और साइड में जो बेल है उस पर बटन पर क्लिक कीजिए। जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको दिखेगा, आल पे क्लिक कर लीजिए। तो मैंने तेल गर्म करके इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और लहसुन और अदरक डाला है। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला है, और फिर उसके बाद मैंने प्याज डाली है। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे हम। सभी सामग्रियों को अगर हम भून के बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए, हरी मिर्च डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा, जो मैंने तीन लिया था हरी मिर्च वो डाल दिया। स्वाद के अनुसार आप जैसे कम तीखा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो एक मिर्ची बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया, दो जो कटा हुआ था, और ये काश्मीरी लाल मिर्च है जो सब्ज़ी का कलर उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और धनिया जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है मैंने एक चम्मच। बहुत ही अच्छी लगती है ऐसी सब्ज़ी, आप बना कर देखिए और खा के देखिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर दो छोटे चम्मच नमक डाल दिए हैं। आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं, आप जिस तरीके से खाते हैं उस तरीके से। और इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। जब हल्का भुना जाएगा उसके बाद इस तरीके से जो भेल था उसको डाल देंगे। एक शिमला मिर्च मैंने बारीक काट के रखी थी, उसको भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर। सेम आप ऐसे ही बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। आप पूरी के साथ में खाइए, या रोटी के साथ में खाइए, या चावल के साथ में खाइए, इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, अब मैंने इसके अंदर लगभग एक ग्लास पानी डाला है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, अगर आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं कुकर के अंदर, जितना है सब्ज़ी उसके ऊपर से आधा सूप ऊपर से डालना है पानी, मतलब वो सब्ज़ी डूब जानी चाहिए, वो सब्ज़ी में रस्सा रहेगा। अगर सब्ज़ी के बराबर पानी रहेगा तो उसका पानी कम रहेगा, सब्ज़ी का उसमें रस्सा नहीं निकलेगा। तो मुझे रस्से वाली सब्ज़ी बनानी है तो मैंने इस तरीके से बनाया। देखिए, अभी इसके अंदर पानी थोड़ा सा बचा हुआ, अगर मैं कम पानी डालती तो पूरा सूखा हुआ ये बनता, तो सूखा हुआ नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है। और हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है भेल वाली। एक पैन में मैंने तेल गरम किया है, उसके अंदर थोड़े से सरसों का दाना डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने जीरा डाल दिया उसके अंदर, और थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल पे नोटिफिकेशन दबा दीजिए। इसके बाद मैंने मिर्ची पाउडर डाला है काश्मीरी, जो थोड़ा सा कलर के लिए। तो जब भी आप मिर्ची पाउडर डालें ना, गैस को पहले बंद कर दें, बंद करने से उसका कलर कभी ख़राब नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। देखिए, ये मेरा तैयार हो गया है, और हरे धनिया से सजा दिया। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ में परोसते ही ऐसी सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बनाइए, खाइए, और कैसा लगा वो बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।